भाई आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जो कि एक सरकारी योजना है, गवर्नमेंट योजना है। यहाँ पर इस योजना का लाभ आप उठा सकें, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ यहाँ पर। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। यह एक सरकारी योजना है, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलअप नहीं करना होता है, कोई अप्लाई नहीं करना होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर चुना जाता है किसको यहाँ पर योजना का लाभ देना है, किसको नहीं देना है, यहाँ पर सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है। गाइस यहाँ पर लगभग 50 करोड़ लोगों को यहाँ पर फायदा होगा, 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे यहाँ पर हर साल। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये गरीबों के लिए बनाया गया है फिलहाल यहाँ पर। उसके बाद गाइस मैं बता दूं आपको, यहाँ पर सारे जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं आप वहाँ पर इलाज करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, वहाँ भी आप इसको इलाज करा सकते हैं। कैसे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी तरह से पता चल सके। मेरा नाम है प्रशांत और आप सब घंटे के बीच प्रशांत, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसमें टाइप करना है pmjay.gov.in। तो आप इस डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिलहाल इसे आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैंने इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको इसको पता लगाना है कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं। इसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं 14555 पर, या आपको एम आई एलिजिबल पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहां पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद गाइस यहां पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर फिलअप किया गया। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इतना सब करने के बाद जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया होगा, उस ओटीपी को आप यहां पर सिंपली टाइप कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे आपके एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपसे आपके स्टेट का नाम पूछा जाएगा। आप अपने स्टेट का नाम सिंपली लिख देंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। गाइस इस कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना नाम कैसे ढूंढेंगे, अपने नेम के हिसाब से, या अपने HSD नंबर के हिसाब से, या फिर आपके मोबाइल नंबर से, या फिर आप यहाँ पर राशन कार्ड के नंबर से। तो गाइस जो भी इससे आप ढूंढना चाहते हो आप यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बाय नेम पर क्लिक करके अपना नाम यहाँ पर ढूंढते हैं। यहाँ पर सब पूरा अपना फिलअप कर लेना, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद स्पाउस नेम, उसके बाद जितना भी अपना पूरा डिटेल आपको भर देना है, अपने विलेज का नाम, अपना पूरा डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद इंटर अपना पिन कोड पूरा भर के उसके खोजी पर आपको क्लिक करना है, सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर खोजी पर, तो आपका यहाँ पर पूरा डिटेल, आपका पूरा विवरण यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आपकी पूरी जो भी आपकी फैमिली की लिस्ट होगी वो खुलकर आ जाएगा। आपका पूरा नाम यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, इसमें आपका नाम, एज पूरा दिया रहेगा, फादर्स नेम, मदर नेम, डिस्ट्रिक्ट, विलेज नेम। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको गेट डिटेल्स ऑन SMS पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर गेट डिटेल्स ऑन SMS विवरण पर आप जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो गाइस आपके पास एक जो है यहाँ पर इससे पॉपअप आएगा यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर का। आप इसमें अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड यहाँ पर आपको पूरी तरह अच्छे से फिलअप कर देना, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेम टू सेम। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा इसका पूरा विवरण। आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे उसमें कुछ इस प्रकार का यहाँ पर भेज दिया जाएगा। गाइस इस मैसेज में आपको यहाँ पर जानकारी दिया रहेगा, आपका HSD नंबर दिया रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने राशन कार्ड के साथ, अपने गवर्नमेंट ID के साथ, आधार कार्ड के साथ, या किसी भी अपने जो भी आपका ID है उसके साथ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है जो कि आपके आसपास हो, या आपको CSC सेंटर में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड, वोटर ID, बर्थ ID, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी कोई भी प्रकार का यहाँ पर आप ले जा सकते हैं ID। उसके बाद आपको चले जाना है अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या CSC सेंटर पे। आप उनको बोल देंगे तो अपना ID देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपका हेल्थ कार्ड होगा, आपके नाम पर इशू करा देंगे और आपके परिवार में जितने भी सदस्य रहेंगे सबका हेल्थ कार्ड इशू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो बस तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर आपका इस लिस्ट में नाम है कि नहीं है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके तब भी इसके बाद भी कोई सवाल है, कोई कुछ भी है, आप यहाँ पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो पूरी तरह पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।